वेलकम टू मिर्ज़ाज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले करवा दिया है। अगर आपने अब तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर्स इज द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीगर्स। हमें इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीगर्स को शो करना है जो जिसकी फॉर्म है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ऑड इंटीगर्स कौन से होते हैं? ऑड इंटीगर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, और इवन इंटीगर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो आपको इसमें ऑड इंटीगर्स प्रूफ करने हैं। उसके लिए हम क्लिक लेंगे लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीगर्स। हम लेट करेंगे ए एनी पॉजिटिव इंटीगर्स। इसमें यूज़ करेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीज़न। यूक्लिड डिवीज़न आपको समझाया था, यूक्लिड डिवीज़न होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर जो आपको ये फॉर्म दी गई है, ये दी गई है 6q+r। तो हमारे q के साथ जो फॉर्म होती है वो वैल्यू होती है b की। तो हम बोलेंगे कि b इक्वल में हमारे 6। वेयर 0 इक्वल एंड ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन b, b ऑलवेज बड़ा होगा r से, r इक्वल और बड़ा होगा 0 से। तो b से, b की जो वैल्यू होगी उससे छोटी छोटी वैल्यू होगी r, और r 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो हम पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 से छोटी छोटी, सॉरी b से छोटी छोटी, 0 से बड़ी बड़ी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने r इसमें वैल्यू ले ली है। अब हम इसमें r की वैल्यू इसमें पुट कर हम वैल्यू आगे हम ऑड इंटीगर्स शो करेंगे। व्हेन r इक्वल 0 इस फॉर्म में पुट करेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी सिक्स क्यू प्लस 0, a की वैल्यू 6q, 6 का अगर हम टेबल करें 6, 12, 18, 24, 30 एक्सेट्रा। 6, 12, 18, 24, 13, 6 हमारा डिविजिबल है 2 से, 12 डिविजिबल है 2 से, 18 डिविजिबल बाय 2, 24 डिविजिबल बाय 2। तो हम 6 को बोल सकते हैं ये हमारा हो गया इवन। ऐसे हम पुट करेंगे r इक्वल में 1, a इक्वल 6q+1, 6q+1, 6 में हम 1 प्लस कर देंगे 7, 12 में 1 प्लस कर देंगे 13, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19, 7, 13 एंड 19 जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो हमारा ये हो गया ऑड। हम r पुट करेंगे 2, a इक्वल 6q+2, 6q+2, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 18 में 2 प्लस करेंगे 20। तो ये 2 से हमारे डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे ये हमारा हो गया इवन। लेट अप पुट हम करेंगे 3, a इक्वल 6q+3, अगर हम 6 में 3 प्लस कर देंगे 9, 12 में 3 प्लस कर देंगे 15, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा हो गया ऑड। r इक्वल में 4,
6³ + 4, अगर हम 6 में 4 प्लस कर देंगे 10, 12 में 4 प्लस कर देंगे 16, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे इवन। r = 5, a = 6³ + 5, 6 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 12 में 5 प्लस करेंगे 17, तो ये हमारे ओड इंटीजर्स हो। तो ये हमें पता चला कि हमारा 6³ + 1 ऑड, 6³ + 3 ऑड और 6³ + 5 ऑड है। तो हम जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हम लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एन आरवी कंटिगंस ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर्स दे रखे हैं मार्च में, जिसमें एक परेड में 32 मेंबर्स है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप्स है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें बताना है कितने मैक्सिमम कॉलम्स हम बना सकते हैं एक मार्च में। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम HCF का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर बताना हो। तो इसमें हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, 616 एंड 32। हम वही करेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। a = bq + r, a ऑलवेज ग्रेटर देन होता है b के, तो a की वैल्यू हो गई 616 एंड b की वैल्यू 32। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड 616 a को अंदर लेते हैं, 32 b बाहर। 32 टू टाइम्स में हो जाएगा 64, वन टाइम्स में लेंगे 32 वन टाइम्स में 32, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, ऊपर से ले लेंगे हम 6, 296 32 में जाएगा 9 टाइम्स, 32 9 टाइम्स में 288, कैरी 16 में से 8 गए 8 में से 8 गए 0। यहाँ हमारा एक 8 आ गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट स्टेप 616 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। ए बी क्यू एंड आर 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। सेकेंड स्टेप में हम इसको लेकर अंदर आ जाएंगे, 32 हो जाएगा, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ए ये बी, 32 फोर टाइम्स में हो जाएगा 32, ये हमारा ए बी क्यू एंड 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 = 8 × 4 + 0। अब हम लिख सकते हैं HCF 616 and 32 is 8। तो हमारा हो जाएगा आर्मी कैन मार्च इज 8, 8 कॉलम्स। तो हमारा मार्च में 8 कॉलम्स होंगे मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो के आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।